आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते खबरों की ओर। दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब फिरोजपुर दौरा था, जो कि अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस घटना पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले में कमेटी बनाकर जल्द रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही है। साथ ही पंजाब सरकार से मामले में जवाब मांगा है। तो वहीं पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की घटना के दो दिन बाद एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी की कार से कुछ ही मीटर दूर भाजपा कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ लोगों का एक ग्रुप भगवा झंडा लहरा रहा है और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। ये ग्रुप पीएम मोदी की काले रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर से कुछ ही दूरी पर नजर आ रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये प्रदर्शनकारी नहीं भाजपा कार्यकर्ता थे, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी। तो अब नया रुख लेता नजर आ रहा है ये मामला, जहां सुरक्षा में चूक की बात कही जा रही थी, तो वहीं अब ये मामला सामने आया है कि ये प्रदर्शनकारी नहीं भाजपा कार्यकर्ता थे, जो कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये बात कही जा रही है कि जो पीएम की गाड़ी थी उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर कुछ लोग नजर आ रहे, जो कि बीजेपी का भगवा झंडा लेके दिखाई दे रहे हैं और साथ ही बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, और इन्हें बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शनकारी नहीं थे, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो कि नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दिए थे। और अब ये वीडियो निकलकर सामने आया है। लगातार दो दिन से ये सबसे बड़ा और चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। आपको बता दें कि खबर ये सामने आई थी पहले कि पीएम खराब मौसम की वजह से बाय रोड अपनी जनसभा के लिए जा रहे थे, वहीं बीच रास्ते कुछ उपद्रवियों ने रास्ता जाम कर दिया, नारेबाजी करने लगे, और जिसकी वजह से पीएम को वापस जाना पड़ा। काफी बवाल भी हुआ और अब जांच की बात भी कही जा रही है, क्योंकि पीएम की सुरक्षा का मामला था और इसमें चूक हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री से भी इसमें जवाब मांगा गया है। आपको बता दें पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, जिसकी वजह से कांग्रेस को लगातार घेरा जा रहा है, सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। और जब ये खबर सामने आई कि पीएम को वापस जाना पड़ा क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने गो बैक के नारे लगाए, रास्ते को पूरा ब्लॉक कर दिया, जाम कर दिया, घेर लिया, लेकिन अब ये जो तस्वीर सामने आई है, नया वीडियो सामने आया, ये बता रहा है कि पीएम की गाड़ी, तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पीएम की गाड़ी से कुछ ही दूरी पर भगवा झंडा लहराते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ नारे लगाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं बीजेपी समर्थन में। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कोई प्रदर्शनकारी और उपद्रवी नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता ही थे। तो नया रुख लेता हुआ नजर आ रहा है ये मामला, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता बताया जा रहा है उपद्रवियों, जिनको जो उपद्रवियों की संज्ञा दी जा रही थी, जिन लोगों को, जिनकी वजह से पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। क्योंकि एक बड़ी खबर ये भी है कि बात ये है कि पीएम जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते की जानकारी किसी को नहीं थी और उस रूट को पूरे तरीके से गुप्त रखा जाता है। सुरक्षा की बात होती है तो उस रूट को पूरा खाली करा दिया जाता है, तो वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो फिर भीड़ थी जो तस्वीरों में दिख रही है, तो वो वहां पहुंचे कैसे, तो ये सबसे बड़ा मामला यही है कि इसकी जानकारी लोगों तक पहुंची कैसे। और इसी खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभाषु जुड़ चुके हैं। विभाषु, जो ये नई तस्वीर सामने आई है और जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि पीएम के रास्ते के दौरान जो भीड़ थी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की थी, जिस तरह से वो भगवा झंडा लिए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, तो क्या ये सच में बीजेपी कार्यकर्ता है या फिर कुछ और ही देखने को मिल सकता है आने वाले समय में जांच के बाद? प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा भटिंडा के फिरोजपुर में होना था, वहां हुसैना शहीद स्मारक पे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था, मगर खराब मौसम के कारण उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा। इस दौरान जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पंजाब की सरकार है, जो चन्नी गवर्नमेंट है, वो रूट मैप का सही विवरण सरकार को नहीं दे पाई और जो सुरक्षा में लोग होते हैं उन्हें सही रास्ते पे नहीं भेज पाया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचने के दौरान
जो उभर ब्रिज था उससे महज 30 किलोमीटर दूरी पर किसान प्रधानमंत्री समेत जो लोग किसान आंदोलन के दौरान मरे हैं उस पे प्रधानमंत्री ने कोई संवेदना दी सब नहीं दी थी इन सब मांगों को लेकर। और जो तीन काले कानून किसान बताते हैं उन सब पे अभी तक कुछ गौर नहीं फरमाया है सरकार ने। इन्हीं सब मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री का जो 20 मिनट जो ब्रिज पे फंसे हुए हैं इस दौरान प्रदर्शनकारी जो कि वहां बीजेपी और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई तो दोनों पे लाठी चार्ज करके हटाया गया। जिसके बाद आपको बता दें कि देश भर में शिवराज सिंह चौहान कल मंदिर में जाके महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। वहीं सोनिया गांधी भी विपक्ष भी प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक में उनके साथ है और सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर और फोन के माध्यम से चन्नी को जो कि मुख्यमंत्री पंजाब के हैं उनको ये बताया कि प्रधानमंत्री के मामले को देखा जाए और इसकी जांच की जाए और जिससे चूक हुई है उस पर कार्रवाई की जाए और तत्काल प्रभाव से एक उसमें एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में हरियाणा और आपके पंजाब कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये जांच होगी। इसमें चंडीगढ़ के डीजीआई को भी सदस्य बनाया गया है और आपको बताना चाहेंगे कि सोमवार को इस कमेटी का को फैसला भी सौंपना है। जी, लेकिन जो ये नया वीडियो सामने आया है इस पे क्या कहेंगे? जी, ये जो कुछ नए वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि प्रधानमंत्री से महज कुछ दूरी पर भाजपा के कार्यकर्ते वहां भाजपा का झंडा लहराते हुए भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि कोई उपद्रवी भी हो सकता है क्योंकि अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई। प्रधानमंत्री को सबसे देश का बड़ा सिक्योरिटी जो होता है वो प्रधानमंत्री के साथ होता है और अगर प्रधानमंत्री के समीप इतने करीब कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं तो काफी ये सोचने वाली बात होगी, संदेहपूर्वक बात होगी कि आखिर इस सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। और चन्नी गवर्नमेंट ने एक पत्र जारी करते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हम 10,000 पुलिसकर्मियों को लगाए थे तो आखिर वो 10,000 पुलिसकर्मी कहाँ थे कि इतने समीप तक कार्यकर्ता पहुंच गए। जी, तो कार्यकर्ता भी पहुंच गए और इनकी जानकारी कैसे मिली कि इसी रूट से पीएम जाने वाले, क्योंकि वो पहले हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, खराब मौसम की वजह से अचानक ये रूट बदला गया था, तो सुरक्षा के प्रबंध भी होने चाहिए थे और इसकी जानकारी भी नहीं होनी चाहिए थी लोगों को, तो यहाँ पे भी एक चूक देखने को मिल रही है विभांशु। जी, खराब मौसम के कारण उस रैली में जो वहां फिरोजपुर में रैली होनी थी उसमें संख्या बहुत ही कम थी और साथ ही साथ कार्यकर्ता जो थे वो वहां प्रधानमंत्री के ये बड़ी चूक है कि आखिर कैसे उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जा रहे हैं और उनके करीब पहुंच गए तो वहां पुलिस क्या कर रही थी। अगर प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट उस उभर ब्रिज पे रुके रहे तो आसपास जो राज्य की पुलिस है उसने सुरक्षा का चक्र क्यों नहीं बनाया, ये सवाल खड़े करने वाली बात है। और अब इसमें देखना होगा कि जांच में क्या आता है और जो आला अधिकारी हैं उन पे भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा प्रबंध क्यों नहीं किया गया और ये जो सिक्योरिटी का मामला है ये लीक कैसे हो गया, आखिर कार्यकर्ता या कोई भी जन वहां का कैसे प्रधानमंत्री की गाड़ी से के करीब तक पहुंच गया, अब इसमें देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो अब ये जांच का मुद्दा है जिसके लिए कई कमेटियों का गठन भी कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है ये मामला, चन्नी सरकार भी अब इसमें सहयोग कर रही है लगातार और अब ये देखने को मिल रहा है कि ये जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो ये नई तस्वीरें सामने आई है ये बता रही है कि इसमें जांच की आवश्यकता है क्योंकि बीजेपी का झंडा भी देखने को मिल रहा है इन लोगों के बीच और नारेबाजी जो देखने को मिल रही है, तो क्या ये सच में कार्यकर्ता थे? अगर कार्यकर्ता भी थे तो आखिर इतने करीब कैसे आ गए पीएम के? क्योंकि जब पीएम किसी रास्ते से निकलते हैं तो वहां का पूरा रास्ता खाली करा दिया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, तो सुरक्षा में चूक तो हुई है, वो चाहे प्रदर्शनकारी हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। तो भाजपा कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जिस तरह की ये तस्वीर सामने आई है, ये बहुत करीब की तस्वीर मानी जा रही है कि पीएम की गाड़ी आप देख सकते हैं पासी में खड़ी है, जो नई तस्वीरें आई हैं और इसमें ये देखिए साफ पीएम दिख रहे हैं और पीएम की गाड़ी से बहुत ही पास में कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं, तो आखिर इतने करीब कैसे आ सकते हैं लोग, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री हैं और जब कोई मुख्यमंत्री भी किसी रास्ते से निकलता है तो सुरक्षा की दृष्टि से
लोगों को रोक दिया जाता है, ट्रैफिक को रोक के पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। तो पीएम की सुरक्षा में जो ये चूक हुई है वो काफी बड़ी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने पूरी तरह से अपने पैर पसार लिए हैं। प्रदेश में 75 जिलों में से सिर्फ 5 ऐसे जिले बचे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला अभी सामने नहीं आया है। बाकी 70 जिलों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिला दिल्ली से सटा गौतम बुद्ध नगर है, जहां दिल्ली की तरह ही तेजी से संक्रमण और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ SGPGI हॉस्पिटल के 55 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद यहाँ कर्मचारियों में कोरोना का खौफ बढ़ गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कोविड की रोकथाम हेतु दिए आवश्यक निर्देश दिए हैं और आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश के साथ साथ ही जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराने का भी निर्देश दिया है। तो कोरोना के मामले बढ़ते हुए देखकर लगातार सरकार सतर्क नजर आ रही है, अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, और जिसके चलते सीएम ने सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। SGPGI हॉस्पिटल में 55 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो यानी कि अस्पतालों में कोरोना के मामले मिलने लगे हैं और लगातार ये जो मामले सामने आ रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों के, ये काफी डराने वाले, क्योंकि जब स्वास्थ्यकर्मी ही हमारे कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो आखिर संक्रमितों का इलाज कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे बीच, जनता के हिसाब से उतने भी वो पूरे नहीं है, कमी पड़ सकती है अगर स्थिति बिगड़ती है तो। और अगर दूसरी तरफ यही संक्रमित तो हो जाएंगे तो बाकी लोगों का इलाज कैसे होगा, सही सुविधाएं कैसे मिलेंगी। तो बाकी लोगों का जब इलाज नहीं होगा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है, जिसके लिए सरकार अब सतर्क नजर आ रही है, पहले ही सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी धीरे धीरे कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन जो मामले हैं वो बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। 75 जिलों में से सिर्फ 5 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के अभी मामले सामने नहीं आए हैं। बाकी 70 जिलों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिला है दिल्ली से सटा हुआ गौतम बुद्ध नगर, और दिल्ली की तरह ही तेजी से संक्रमण यहाँ बढ़ भी रहा है। अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ आपके लगातार कोरोना के मामले सामने आते जा रहे हैं। SGPGI हॉस्पिटल में 55 कोरोना स्टाफ संक्रमित मिले हैं। कर्मचारियों में कोरोना मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है और मुख्यमंत्री ने कोविड की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों से जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि स्थिति भयावह हो सकती है, और अभी भी हमारे पास समय है जब हम सतर्क हो सकते हैं और सावधानी बरते तो हम कोरोना को हरा सकते हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, प्रदेश की बात करें तो कितने मरीज 24 घंटे में सामने आए हैं? अगर प्रदेश की बात करें तो जो टोटल एक्टिव मामले हैं वो 12,327 मामले हैं, और अगर बात की जाए 24 घंटे की तो 4,228 मामले हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले जो एपिसेंटर है कोरोना का वो गौतम बुद्ध नगर में दिखने को मिल रहा है। अब तक 24 घंटे में 721 मामले आ चुके हैं। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो 607 मामले आ चुके हैं। लखनऊ की बात करें तो 577 मामले आ चुके हैं। अगर मेरठ की बात करें तो 711 मामले आ चुके हैं। वहीं अगर बनारस की बात की जाए तो वहां पे 224 मामले आ चुके हैं। विगत 9 महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरे दिन 1 लाख से, उत्तर प्रदेश नहीं भारत में 2 लाख 1 लाख से ऊपर केस आए हैं। और 1 लाख से ऊपर केस की अगर बात करें तो अब तक देश में 24 घंटे में 1,40,000 केस आए हैं। वही जो देश का एपिसेंटर बन रहा है कोरोना का वो महाराष्ट्र फिर से बन रहा है, वहां जहां जहां 40,000 केस आए हैं। वही दूसरे स्थान पे बंगाल, जहां की 18,000 केस आए हैं। अगर देश भर में शुक्रवार के दिन मौतों का आंकड़ा गिना जाए तो 282 लोग की मौत हुई, और अब तक देश भर में एक्टिव केसों की मामले की बात की जाए तो 4,65,000 लोग अब तक एक्टिव हैं कोरोना से। वहीं अगर डेली पॉजिटिव रेट की बात की जाए तो 9.28% पॉजिटिव रेट पहुंच चुकी है,
और आपको बता दें इन्हीं सब को देखते हुए मंदिरों को भी बैन कर दिया गया है, जो जगन्नाथ मंदिर है उसको भी बैन कर दिया गया है, और लगभग सभी मंदिरों को अलर्ट जारी करते हुए श्रद्धालुओं को पूरा कोविड नियम के पालन करते हुए दर्शन के प्रावधान भी किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए इलाहाबाद में जो माघ मेला लगता है उसमें 24 घंटे के अंदर जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव लेके जाएगा उनको ही प्रवेश मिल रहा है, और जो कल्पवासी हैं उनके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया है कि इनका विशेष ध्यान किया जाए। वहीं अगर बंगाल के आप बात करें आकाश गंगा में जो लगती है वहां पे तीर्थ यात्रा, वहां पे 10 श्रद्धालु मेले में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको बंगाल में इससे काफी हड़कंप मच गया है क्योंकि वहां पे अच्छे खासे लोगों का श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। और बात की जाए प्रदेश की, तो प्रदेश के कोरोना के मामले भी हम जानना चाहेंगे और लखनऊ में जिस तरह से 55 संक्रमित SGPGI में मिले हैं उस पर भी जानकारी चाहेंगे। प्रदेश में अब तक 4,228 मामले 24 घंटे में है और लखनऊ में 577 आए हैं, और अब यहाँ जो ये प्रमुख हॉस्पिटलों में से एक जहाँ प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से लोग गंभीर बीमारियों का इलाज कराने आते हैं, वहां पे 55 स्टाफ डॉक्टरों को संक्रमित पाया गया है। इससे काफी हड़कंप मच चुका है क्योंकि वो डॉक्टर कितने लोगों का इलाज किए होंगे, इससे काफी एक माहौल गलत पैदा हो रहा है, और कह सकते हैं कि इन सब चीजों से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। वहीं विगत 2 दिन पहले लोक बंधु अस्पताल और बलरामपुर में भी कुछ स्टाफ और वहां फार्मासिस्ट भी पॉजिटिव पाए गए थे, और आपको बता दें कि इन सब चीजों को देखते हुए जो लखनऊ के DM अभिषेक प्रकाश हैं वो एक मुहिम चलाए हैं, जिस मुहिम का नाम है नो मास्क नो सामान। और आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि बूस्टर डोज की आज से रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, और पहले ये सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको कल से लगाए जाएंगे। आज से रजिस्ट्रेशन के दौर चालू हो रहा है, कल से लगाए जाएंगे, और जिनको दोनों डोज लग चुके हैं उन्हें ही बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। अब और बच्चों की भी वैक्सीन तेजी से लगाई जा रही है। अगर बात करें तो प्रदेश भर में बच्चों की वैक्सीन के लिए बलरामपुर और सिविल अस्पताल में 24 घंटे टीकाकरण हो रहा है। वहीं अगर बड़ों की वैक्सीन की बात करें तो सुबह 10 बजे से और 5 बजे तक बिना रजिस्ट्रेशन के आधार कार्ड के माध्यम से टीके लगाए जा रहे हैं। और अगर जांच की बात की जाए तो पर दिन उत्तर प्रदेश में 3 से 4 लाख जांचें हो रही हैं, जो कि काफी इसमें संख्या बढ़ाने की जरूरत है। और बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 70 जिले कोरोना से प्रभावित है। अगर बात करें तो गांव में अब तक कोरोना के उतने मामले नहीं आ रहे हैं, मगर इस सब चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक फरमान जारी किया कि जिस DM के हाथ में और वहां के CMO के हाथ में अगर मामले बढ़ते हैं तो वहां पे पाबंदी या DM और वहां के CMO के द्वारा लगाए जाएंगे। वहीं लखनऊ के अंदर में आज तमाम रैलियों को कैंसिल करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से आज पहली वर्चुअल रैली भी की गई है, और सभी पार्टियों को अब ये बड़े जो जन समुदाय इकट्ठा करके जो रैलियां करते हैं उस पर रोक लगा के और वर्चुअल तरीके से डिजिटल रैली करने की जरूरत है। वहीं अगर कहें तो गांवों में अब तक मामले कम है तो वहां पे भी एक परहेज करने की जरूरत है और कम संख्या में लोगों को एकत्रित करने की जरूरत है। अगर बात करें हम गांव की तो निर्देश दिया है कि आवश्यक कदम उठाए जाए कोरोना की रोकथाम के लिए, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से निर्देश आ रहे हैं? जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में DM ने आदेश दिए हैं कि जो भी वाटर पार्क और जो भी स्विमिंग पूल है उसे बंद किए जाए, और आपके जो भी कम्युनिटी सेंटर है जैसे कि जहां पे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है उसको बंद किया जाए। रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉलों में 50% संख्या के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं। वहीं मास्क लगा के ही सामान देने के भी आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जब मुख्यमंत्री भी सख्त नजर आ रहे हैं और कठोर कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं ताकि कोरोना की जो रफ्तार बढ़ रही है उस पर नियंत्रण लगाया जा सके। साथ ही साथ कोरोना के मामले अलग अलग जिलों से सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सख्ती का माहौल बनता हुआ दिख रहा है और स्वास्थ्य कर्मी भी अब इससे छूते नहीं नजर आ रहे हैं और लगातार वो भी संक्रमित हो रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।